निदेशक उत्तर प्रदेश के निर्देशानुसार थाना कोतवाली बदायूं में डीएम व एसएसपी द्वारा पुलिस बीट प्रणाली का शुभारंभ किया गया, जहां सदर कोतवाली को बीट पुलिसिंग के लिए 28 बाइकें उपलब्ध कराई गईं। 16 जनवरी को उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों से चुने गए 100 थानों में बीट पुलिसिंग लागू की गई, जिसमें जनपद बदायूं से सदर कोतवाली को भी चिन्हित किया गया। कोतवाली को 28 बाइकों के साथ उच्चतम मानक के संसाधन मुहैया कराते हुए बीट पुलिसिंग को लागू किया जा रहा है। पुलिस सुधार की दिशा में इसे एक बड़ा प्रयोग माना जा रहा है। एसएसपी बदायूं द्वारा अवगत कराया गया कि थाने पर उपलब्ध मैन पावर में से कम 40% कर्मचारियों को बीट के लिए लगाया जाएगा। बीट पुलिस अधिकारी हफ्ते में एक दिन अपने बीट क्षेत्र का भ्रमण कर बीट बुक चेक करेंगे। बीट पुलिस कर्मियों को प्रशिक्षण देकर तैयार किया गया। बीट अधिकारी जनता से सीधा संपर्क करेंगे और उनकी समस्या को अधिकारी को सूचना देंगे। सरकारी मोटरसाइकिल के साथ एक छोटा सस्त डाटा प्लान के साथ सीयूजी फोन, वायरलेस सेट, हाथकड़ी व बैटन के अलावा यथासंभव साधन इत्यादि आरक्षी को सौंपे गए। प्रशिक्षण के बाद एसएसपी बदायूं अशोक कुमार त्रिपाठी ने फायर करके जिलाधिकारी कुमार प्रशांत ने हरी झंडी दिखाकर बाइकों को रवाना किया गया। इस मौके पर जिले के समस्त अधिकारीगण व समस्त पत्रकार मौजूद रहे। के पुलिस महानिदेशक महोदय ने एक नई परिकल्पना की है, जिसमें कि बीट सिपाही नियुक्त किए गए हैं। लगभग 3,500 से 3,000 की आबादी पे एक बीट आरक्षी रहेगा, जो आधुनिक सुविधाओं से लैस होगा। उसको एक मोटरसाइकिल दी जाएगी, वेपन होगा, स्मॉल वेपन, वायरलेस होगा, बैटन होगा, हथकड़ी होगी तथा अन्य और भी साधन होंगे, जिसको कि उसको उसी भी क्रिमिनल्स को प्रभावी तरीके से उसको निपट सके। इसका मुख्य काम जो होगा वो जनता के बीच में जाके संवाद स्थापित करना, उनसे मित्रवत व्यवहार करना, सूचनाएं लेना, जनता के बीच के सुख दुख को बांटना और अपनी विश्वसनीयता बढ़ाना, क्रेडिबिलिटी बढ़ाना, ताकि लॉ ऑर्डर या किसी अन्य परिस्थितियों में भी काम आए। इसके साथ साथ जनता के माध्यम से सूचना संकलन भी करना होगा कि जनता के व्यक्तियों में घुल मिल के रहना होगा। यदि कोई भी इस तरह का सामाजिक तत्व तो उस क्षेत्र में आया हुआ है तो उसकी जानकारी भी उसको करेगा। इसका निरंतर अनुश्रवण सीनियर ऑफिसर द्वारा किया जाएगा।